गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुन्नी अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर EAFM। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था BCom थर्ड ईयर के बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल, जो कि है पेपर फर्स्ट। इसका हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बिजनेस फोरकास्टिंग। ये इस बिजनेस फोरकास्टिंग का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था, देखिए फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था फोरकास्टिंग क्या है, हम फोरकास्टिंग में क्यों इंटरेस्टेड हैं, कैसे वो हमारे डिसीजन मेकिंग को इफ़ेक्ट करती है। उसके अलावा हमने डिफरेंशिएट किया था फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन को। हमने पढ़ा था कि एक अच्छी फोरकास्टिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वह टाइमली, एक्यूरेट, रिलायबल होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा फोरकास्टिंग की प्रोसेस, कि कैसे आप एक फोरकास्टिंग को कंप्लीट करते हैं। ये सब हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग, क्यों ज़रूरत है एक बिजनेस को फोरकास्टिंग करने की। तो सबसे पहले, इट प्लेज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आ ऑर्गेनाइजेशन। यह इसका जो रोल है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। फोरकास्टिंग से आप आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं, अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रिस्क के लिए पहले से प्रोविजंस बना सकते हैं, रिस्क को डाइवर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट प्लेज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ की टू सक्सेस। यह सफलता की कुंजी है, हम कह सकते हैं कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल तरह से रन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जहाँ पे अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पैसा आपका डूबे नहीं, आपको उसके रिटर्न मिले, आपको रिजल्ट्स मिले, सो दिस फोरकास्टिंग इज़ की टू सक्सेस। फोरकास्टिंग इज़ अ इफ़ेक्टिव वे ऑफ कंट्रोल। आप अगर अपनी प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए थे, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स मिले, सो दैट कॉल्ड कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग में भी योर फोरकास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप फोरकास्टिंग के थ्रू ही स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। फोरकास्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन ऑल्सो। आप अपने बिजनेस की अलग अलग यूनिट्स लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, परचेज, स्टोर, इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन बनाना चाहते हैं तो फोरकास्टिंग ज़रूरी है। आप सभी डिपार्टमेंट्स की ओपिनियन ले सकते हैं, उनके क्या पूर्वानुमान है, उनका डेटा एनालाइज क्या कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसी बना सकते हैं। उसके बाद में फोरकास्टिंग इज़ प्राइमेसी टू प्लानिंग। कोई भी प्लानिंग जो है वो फोरकास्टिंग के बिना इनकम्प्लीट है। आप ज़ीरो से प्लान करेंगे तो आपके पास में बहुत सारी चीज़ें लाइक एक्सपीरियंस नहीं होगा, ट्रेंड नहीं होगा, हिस्टोरिकल डेटा नहीं होगा। सो प्लानिंग के लिए बेस होता है फोरकास्टिंग। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। आप जब प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपके सामने क्या समस्याएं आ सकती है। आप पहले से प्रिकॉशंस लेकर चलेंगे कि वो प्रॉब्लम्स आपके सामने ना आए। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस। आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं थ्रू फोरकास्टिंग। मीन्स आपको पता होगा कि एनवायरनमेंट में अगर ये चेंजेस हुए हैं, इन फैक्टर्स में अगर चेंजेस हुए हैं, तो आपका ये बिजनेस किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकता है, और अकॉर्डिंगली आप पॉलिसी बना सकते हैं, आपका बिजनेस डेवलप हो सकता है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच मेक द फोरकास्टिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फोरकास्टिंग कौन कौन से एरियाज़ में की जा सकती है, व्हाट आर द एरियाज़ विच आर कवर्ड अंडर फोरकास्टिंग। इसमें आता है सबसे पहले सप्लाई ऑफ लेबर। आपको लेबर कितना रिक्वायर्ड है और उस लेबर की सप्लाई एडिक्वेट है या नहीं है, लेबर की मार्केट में रेट क्या है, लेबर की वेजेस रेट क्या है, मिनिमम वेजेस को लेकर क्या रूल्स है। सो दीज कम्स अंडर सप्लाई ऑफ लेबर, कि आप किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपको जो मैन पावर की ज़रूरत है वो आप सबसे पहले फोरकास्ट करेंगे। कॉम्पिटिशन, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन हैं, आप जो नया प्रोडक्ट या नया ब्रांच या नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके कॉम्पिटिशन का क्या लेवल है, कॉम्पिटिटर्स क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट में उनके सर्विस में क्या क्वालिटीज़ हैं, उनकी रेट क्या है, उनकी प्राइस क्या है। सो कॉम्पिटिशन को एनालाइज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में पॉलिटिकल चेंजेस, कि जो भी रूलिंग पार्टी है उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो स्टेबल है, इनस्टेबल है, और वो आपके बिजनेस के लिए क्या इंसेंटिव्स दे सकती है, क्या नए टैक्सेस इम्पोज कर सकती है, क्या एग्रीमेंट्स, क्या लाइसेंस, क्या फॉर्मेलिटीज़ बढ़ सकती है। सो पॉलिटिकल चेंजेस को फोरकास्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
उसके बाद में सोशल चेंज, सोसाइटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिजनेस में, तो सोसाइटी में अगर कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड है तो उनका भी पहले से पूर्वानुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस, जो भी आपका, जो भी आपकी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या नए कानून बनाने वाली है, क्या नए कानून आ सकते हैं, क्या नए रेगुलेशंस आ सकते हैं, और उन रेगुलेशंस का आपके बिजनेस पे किस तरह से इफ़ेक्ट होगा, ये भी आपका फोरकास्टिंग का एक बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद में ग्रोथ ट्रेंड, आप जिस तरह के बिजनेस में एंटर होने वाले हैं या जो नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करने वाले हैं उसकी ग्रोथ ट्रेंड क्या होगी, आप कब अपना प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करेंगे, कब आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे आएंगे, कब तक आपको लॉस बियर करना है, सो व्हाट कैन बी द ग्रोथ ट्रेंड। फिर आता है टेक्नोलॉजी, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, और उन टेक्नोलॉजी का पेटेंट किसके पास है, आपको उस पेटेंट के लिए कितनी रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द एरिया ऑफ फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन नो डाउट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइक इकोनॉमी में मंदी है, तेजी है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डॉलर प्राइजेस, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इंटरनेशनल मार्केट में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस। सो इकोनॉमिक कंडीशन को फोरकास्ट करना, अभी के इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, सो दीज ऑल आर द एरियाज ऑफ फोरकास्टिंग जिनके बारे में आपको डिटेल से पूर्वानुमान लगाने की ज़रूरत होती है। फिर आता है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग के क्या फ़ायदे हैं, एंड एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड इवेंट्स टू एक्सेलरेट अर्ली अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स, इवेंट्स, इनके बारे में पहले से आपको आभास रहेगा, आपको पता रहेगा, तो आप पहले से सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, दैट एक्सेलरेट्स द अर्ली अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को आसानी से समय रहते अचीव कर सकते हैं। ये आपकी प्लानिंग को फैसिलिटेट करता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कोऑर्डिनेशन, इससे कोऑर्डिनेशन बना रहता है सारे डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स में, और कंट्रोल करना इजी होता है एक्टिविटीज़ को, जो आपके बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनकी कंट्रोलिंग, उनको स्टैंडर्ड से मैच करना और डेविएशंस का पता लगाना। फोरकास्टिंग की कुछ लिमिटेशंस भी है, कोई भी एक फैक्टर आप, कोई भी एक प्रोसेस प्रैक्टिस अगर आप लेते हैं तो उसके प्रोज भी होते हैं तो कॉन्स भी होते हैं, उसके अगर फ़ायदे हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। फोरकास्टिंग इज़ टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशंस एंड ह्यूमन जजमेंट्स। फोरकास्टिंग पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं है, ये कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है, ह्यूमन जजमेंट्स पे बेस्ड है, लाइक आप पास्ट प्रैक्टिस को एनालाइज करके खुद ही डिसाइड करेंगे ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, डिसाइड इन द सेंस आप अज्यूम करेंगे, सो दिस इज़ नॉट 100% बेस्ड ऑन लाइक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज़ ये पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं है, ये ह्यूमन जजमेंट्स पे बेस्ड है। टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन विल कॉज डिसअपॉइंटमेंट एंड इम्पेयर द इनिशिएटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को एनालाइज कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं खतरा ज़्यादा दिखेगा, आपको रिस्क ज़्यादा दिखेगी, आपके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं, वो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, और उनको इनिशिएटिव लेने से भी डर लगने लगेगा। इट रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ स्किल एंड द प्रोसेस मस्ट बी अंडरटेकन बाई स्पेशलिस्ट। इसमें बहुत अच्छी स्किल्स की ज़रूरत होती है और इसके लिए स्पेशलिस्ट की सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट विल बी लेस एक्यूरेट एंड एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। अगर आप कोई लंबा प्रोजेक्ट चलाना चाह रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग को उतना एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे जितना कि आप शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग कर पाएंगे। फोरकास्टिंग इज़ ऑलवेज टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट कंज्यूमिंग, एफर्ट कंज्यूमिंग। आप कोई भी काम करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, तो नो डाउट आपका टाइम और आपका कॉस्ट इसमें दोनों ही इन्वेस्ट होगा। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच शोज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फोरकास्टिंग। एक बिजनेस में आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो उसकी क्या सीमाएँ हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम फोरकास्टिंग के एप्लीकेशंस,
उसके अलावा उसके टूल्स, मेथड्स, ये सब पढ़ेंगे। आप अभी तक जो पढ़ा है उसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए, और कोई भी डाउट्स है तो मेल कीजिए। थैंक यू।